जब हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी होती है ना, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सी सेक्शन का ध्यान रखना इज द टास्क। अगर आपने अच्छे से सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रख लिया, तब तो जिंदगी अच्छी बारी न्यारी है, पर नहीं रखा तो आने वाले इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास कि सी सेक्शन में कब इंटीमेट होना चाहिए, कब ट्रैवल करना चाहिए, कैसे उसको ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसको जल्दी रिकवर करना चाहिए। तो टाखों का जल्दी से रिकवर होना और सी सेक्शन में आपका अच्छे से ध्यान रखना कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं केयर आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, उसके बाद भी इंटीमेट आप हो सकते हो, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डॉक्टर मना भी कर देते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं आप कर सकते हो, लेकिन खुद को अंदर से डर होता है कि कैसे करे, बच्चा तो वहीं गर्भाशय में है, गर्भाशय बजाने से कितना ही दूर है, तो यू नो थोड़ा प्रेशर वेशर से कुछ हो ना जाए तो डर लगता है, तो अवॉइड करते हैं इंटीमेट होना। ऐसे में जब डिलीवरी हो जाती है ना, स्पेशली जब सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है, तो फिर डर लगा रहता है कि अरे यार वहीं गर्भाशय के पास टाके लगे हुए हैं, वहां बजाना भी पास में ही है, तो कैसे हम इंटीमेट हो सके। वुमेन तो नहीं हो सकती, बट मेन अगर आपके हस्बैंड आपको फोर्स करते हैं कि करना है और आप शर्म शर्म में किसे पूछ नहीं पाते हो, तो मैं आपको बता दूं सी सेक्शन के तुरंत बाद ना करो। बॉडी को रिकवर करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है इंटीमेट होने से पहले। जब आपके टाके भर जाएं, घुल जाएं अच्छे से अंदर से, ऊपर वाले तो आपको लगता है ठीक हो गए, लेकिन टाके अंदर भी लगे होते हैं, तो वो जब भर जाएं उसके बाद आप करोगे ना, तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। फालतू में क्यों कोई रिस्क लेना जहां इतने दिनों तक वेट किया, एक्चुअली महीनों तक, कुछ महीने और वेट कर लो। मेरी भी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू ही है, इतने महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभी ना थोड़ा सा लास्ट कॉर्नर में, टाके के लास्ट कॉर्नर में मुझे ना थोड़ी सी चुभन, खिंचाव सा और खुजली सी फील होती है। सो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो होता है ना, कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो जरा सा ले लेती हूँ और उसके ऊपर लगा देती हूँ। कभी कभी ना ड्राइनेस की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा खिंचाव और खुजली सी फील होती है। ये हैक मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप चाहो तो अपने डॉक्टर से पूछ करके ये हैक आप भी ट्राई कर सकते हो, शायद आपको इससे काफी ज्यादा आराम मिले। मुझे बहुत आराम और रिलीफ मिलता है ये करने से। जब ताजा ताजा सी सेक्शन हुआ होता है ना, मतलब सी सेक्शन हुआ उसके बाद आपने पैंटी वगैरह पहनी, और अगर आप मेरी तरह बिकनी लाइनर वाली पैंटी पहनते हो, सो भाई जो उसका बैंड है वो बिकनी लाइन पे ही आता है, और जो टाको का कट लगा होता है वो बिकनी लाइन के ऊपर ही लगा होता है, तो कितना पेन होता है ना उस, वो जो टाके और वो पैंटी ऐसे आपस में रगड़ खाती है। तो मैंने ये प्रॉब्लम सहा है, मैं बहुत पछताई भी हूँ बाद में जब मुझे पता चला कि यार इसको तो ऐसे ठीक करना था। तो आपको पछतावा ना हो, अगर आपकी कभी, देखो कभी तो माँ बनोगे, कभी तो डिलीवरी होगी, और इनके सी सेक्शन हो गई तो ये वीडियो देखोगे तो काम आ जाएगी। तो ऐसे में अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई हो, तो पैंटी नॉर्मल वाली मत पहना जो बिकनी लाइन पैंटी होती है। मेटर्निटी पैंटी आती है स्पेशलाइज्ड फॉर सी सेक्शन डिलीवरी, वो जरूर पहनना। जो बैंड आपका बिकनी लाइन पे आके रगड़ खा रहा था टाको के ऊपर, वो बैंड ऊपर उठ करके नेवल के ऊपर तक आता है। पैंटी आप ऊपर तक पहनते हो तो नेवल के ऊपर तो कोई कट नहीं होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा सपोर्ट भी करता है आपके पेट को और टाको को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये वाला हैक जरूर फॉलो करना गाइस। अच्छा है आपने मेरी वीडियो देख ली, मैंने तो वैसे ऐसा कुछ सुना देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था, और स्टार्टिंग के कुछ दिन मैं बहुत प्रॉब्लम रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा मन करता था मैं पैंटी ना पहनूं, लेकिन पैड पहनना जरूरी था क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, पीरियड्स आ रहे थे और टाको पे वो बैंड चिपक रहा था। So horrible that time. It was really, really painful for me. वैसे जब भी हम लोग की डिलीवरी होती है उसके बाद स्किन की हालत थोड़ी सी खस्ता हो जाती है, पिगमेंटेशन, एक्ने, डलनेस, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसे में मैं आपको स्किन केयर करेंटली जो मेरा है वो मैं शेयर कर देती हूँ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री फोमिंग फेस वॉश एंटी एक्ने ऑयल कंट्रोल, जिसके अंदर पैराबेन सल्फेट मिनरल नहीं है। तो इस तरीके की फोम बेस में आता है, ज़रा सा आपको पंप करना है अपने फेस पे, सर्कुलर मोशन में लगा लीजिए एंड पानी से धो दीजिए। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और एक्ने स्किन के ऊपर आने नहीं देता है, रोकता है आने से। इसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील करती है, नरिशिंग। सो मदर्स प्लीज़, आप बेबी की केयर कर रहे हो, अपना स्किन केयर भी साथ ही साथ करो। और अगर एक्ने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टी ट्री फेस जेल यूज़ कर सकते हो फ्रॉम गुड वाइब्स। सो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, अगेन बहुत ही अच्छा प्योरीफाइंग एंटी एक्ने जेल है। अगर आपके एक्ने हो जाते हैं ना, तो सिर्फ एक्ने के ऊपर इसको लगा सकते हो या फिर ऑल ओवर पूरे फेस के ऊपर लगा सकते हो। स्किन को हाइड्रेट करता है, एंटी एक्ने है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंड इसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं है, पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है। और इसको फेस पे लगा दो, स्किन में एकदम से जज्ब हो जाता है, नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली है। एंड एट लास्ट स्टेप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री पपाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। अगेन पैराबेन नहीं है और सिलिकॉन नहीं है इसके अंदर। ये आपके स्किन को इवन टोन लाने में हेल्प करता है, वह बूस्ट करता है कोलाजन। तो ये टी ट्री का रेंज आप ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आपको पता है इतने महीने हो गए मेरे सी सेक्शन के, लेकिन अभी भी मेरे जो नाभि है ना, नाभि के नीचे अभी भी मैं टच करूँ ना, मुझे कुछ फील नहीं होता। मैं वहाँ अगर गर्म चम्मच मैंने लगा के देखा था, एक बार ठंडा चम्मच लगा के देखा, गर्म ठंडा पिंच किया, कुछ फील नहीं हुआ, वो स्किन अब तक नम है। आई वॉज रियली सरप्राइज कि क्यों है। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि कहीं कुछ गड़बड़ कुछ गलती तो नहीं होगी। मैंने फटाफट से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर से पूछा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी बॉडी अभी तक नम है, कब ठीक होंगी मैं। तो उन्होंने बोला कि देखो आपके जब पेट कटता है ना, पेट काट के माँ बच्चा जब डिलीवर करती है तो बहुत सारी नसें भी कटती हैं। अब वो नसें एग्जैक्टली वैसे मिल पाई हैं जरूरी नहीं है, पेट में कट लगने की वजह से, नर्व्स कटने की वजह से दोबारा से बॉडी पहले जैसी हो पाए वो जरूरी नहीं है हो पाए। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं भी होता है। तो हो सकता है कि आपको नमनेस रहेगी, हो सकता है ये नमनेस 6 महीने में रिकवर हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाओ, या कुछ लोगों को नमनेस जिंदगी भर रहती है। देखो अब मुझे जिंदगी भर रहने वाली है या 6 महीने, अभी तो 6 महीने नहीं हुए तो मैं वेट कर रही हूँ। नमनेस तो है, नेवर के नीचे इतना जो एरिया है मेरा पूरा नम है, मुझे वहाँ कुछ फील नहीं होता और टच करने में बहुत अजीब सा लगता है, पर ठीक है मेरी हमारा हेल्दी हुई है, मुझे और किसी बात की कोई शिकायत नहीं। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि जो टाके लगे हैं, हम हमेशा अंदर से डरते हैं, टाके तो लग गए लेकिन सही लगे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, मेरी बॉडी ने सही रिएक्ट किया है टाकों के साथ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? बाहर से देख करके नहीं पता चलता है, कभी 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 पता चल भी जाता है। तो ये जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इन बातों का ध्यान रखो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आसपास क्या बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, रेडनेस है, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, क्या आपको वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जब आपकी ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर जो खून के थक्के आते हैं वो किसी भी गोल्फ जो बॉल होती है उससे ज्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब आपको देखना है कि जहां आपके टाके लगे हैं ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना, ठीक है? देर मत करना, इन्फेक्शन को बढ़ाना नहीं। और अच्छा टाकों को क्लीन हाइजीनिक कैसे रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप नहाओ ना तो आप जैसे यहाँ यहाँ साबुन लगा लिया, ठीक है, वहां पे जाके साबुन नहीं लगाओ, रगड़ो नहीं, स्क्रब नहीं करो, नॉर्मल आपकी बॉडी पे आपने यहाँ साबुन लगाया, यहाँ सब पेट पे साबुन लगाया, ठीक है, पानी से नॉर्मल वो बह जाएगा। आपको वहां स्पेशली साबुन नहीं लगाना, रगड़ना नहीं है, ठीक है, स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना वहां पे, और उसको सूखा रखो, गीला मत रखो। नहाने के बाद टॉवल लो और ऐसे पैट ड्राई करो, पैट ड्राई ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है यार अगर गलत चीज कर देना, एक बार इन्फेक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए टाकों में, भाई जिंदगी भर प्रॉब्लम होती रहती है। तो क्यों हम प्रॉब्लम लें जब सॉल्यूशन हमें पता है? तो फिर अच्छा कुछ चीजें होती हैं और सी सेक्शन के तुरंत बाद आपको वो नहीं करना है, अवॉइड। पहला तो आपको इंटीमेट नहीं होना है, नो लव मेकिंग मत करो, पोपले वगैरह कर लो, सेक्स नहीं करना, कोई भी ऐसा वजन मत उठाओ जो आपके बेबी के वजन से ज्यादा हो। आप अपने बेबी का तो वजन उठा सकते हो लेकिन आपके बेबी के वजन से ज्यादा कोई वजन है नहीं उठाना है आपको, ठीक है। आप अपनी वजाना के अंदर टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप नहीं डाल सकते हो जस्ट आफ्टर योर सी सेक्शन, पैड्स ही यूज करना, और मेटर्निटी पैड अलग आते हैं वो यूज कर सकते हो। मुझे मेटर्निटी पैड से ज्यादा अच्छा लगा वो जो पैड वाली पैंटी आती है ना, वो यहाँ मैं फोटो लगा दूंगी, ये वाला मैंने यूज किया, मुझे बहुत सही लगा। सी सेक्शन के बाद तुरंत बाद या कुछ महीनों तक अवॉइड करो ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना सही रहेगा, थोड़ा सा रिकवर होने दो बॉडी को, उसके बाद यूज करते रहना। सी सेक्शन के तुरंत बाद कुछ हफ्तों तक प्लीज स्विमिंग पूल में मत जाना, मतलब या फिर कोई बाथ टब के अंदर बैठ करके आराम से डीप बाथ ले रहे हो, घंटों घंटे अंदर बैठे रहे हो, प्लीज सोच के भी डर लग रहा है, कोई ऐसा गलती से भी ना करे, ज्यादा देर पानी में नहीं रुकना है आपको, ठीक है। नदी में स्विमिंग करने मत चले जाओ, ना स्विमिंग पूल में जाओ, एरिया को रिकवर होने दो अभी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा दम ताकत लगाना पड़ रहा हो, चाहे वो दौड़ना, भागना, हैवी एक्सरसाइज करना, हैवी चीजें उठा खाना, नहीं करना है। नहीं, कुछ टाइम तक सुपर वुमेन मत बनो, कुछ टाइम तक आप रिलैक्स बेबी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। डायरेक्टली डीप बेंडिंग भी नहीं करनी आपको, आराम से बैठो, धीरे से बैठो, डीप बेंडिंग नहीं करना, रेस्ट करो यार, बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, आपकी बॉडी से एक जान बाहर आई है, आपके अंदर जान थोड़ी बहुत बची है, उसको हील करो, बॉडी हील करो रेस्ट करके, ठीक है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों तक रेस्ट करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बैठे हो बिस्तर पे, नहीं, खाना खाने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा वॉक कर लो, ठीक है, उसके बाद रेस्ट करो, वॉक जरूर करना, एकदम बिस्तर पे नहीं। मेरे डॉक्टर ने बोला जितना एक्टिव रहोगे बॉडी उतनी जल्दी रिकवर होगी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली, एकदम से एक्टिव मत हो जाना। जब बहुत तेज खांसी या छींक आए ना तो एक तकिया ले लो, अपने पेट पे रखो, उसके बाद खांसो या छींको, नहीं तो बहुत जोर पड़ता है टाकों पे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मत होने दो अपने आप को, आफ्टर सी सेक्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉन्स्टिपेशन होती है, पर मत करो यार। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ना बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो आप ले सकते हो, डॉक्टर से पूछ करके वो ले लो, ठीक है, या वो कहते हैं अजवाइन का पानी, जीरा का पानी पियो, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। जितना ज्यादा हो सकता है वाटर इनटेक रखो, बहुत सारे लोगों का मानना है कि पानी नहीं पीना चाहिए सी सेक्शन के बाद, पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है, पानी से दूध बनता है, दूध के अंदर 80% वाटर होता है, पानी पीना बहुत जरूरी होता है आपके स्किन
स्किन, हेयर, बेबी मिल्क के लिए, हर चीज के लिए पानी पियो, बैलेंस डाइट खाओ, कुछ भी ज्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं, हर चीज खाओ, बैलेंस्ड खाओ, जंक फूड मत खाओ, फ्राइड फूड, तली हुई चीजें मत खाओ, ऐसी चीजें मत खाओ जिसको डाइजेस्ट करने में आपके पेट को बहुत मेहनत करनी पड़े और बहुत टाइम लगे। घर के अंदर जो नानी दादी बना करके देती हैं आपको, जो गूंद के लड्डू होते हैं, पंजीरी होती है, च्यवनप्राश होता है, और भी आपके रिचुअल में जो भी बनाते हैं वो खाओ, मॉडरेट रेट में खाओ, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा घी भी नहीं खाना है, मॉडरेट रेट में खा सकते हो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये सारे टिप्स बहुत जरूरी हैं, अगर सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो ये करोगे तो आपकी केयर बहुत जल्दी होगी, रिकवर बहुत अच्छे से करोगे। मुझसे कुछ गलतियां हुई, मैंने बहुत पछतावा किया उन गलतियों का, आपको अपना एक्सपीरियंस दे दिया फ्री में, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं देने आपको, बस मेरी ये वीडियो देख ली आपने, अब ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो जिनकी डिलीवरी होने वाली है, क्या पता कैसे डिलीवरी हो जाए तो उनके काम आ जाएगी। इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये अनमोल है। फॉलो करोगे लाइफ इजी, लाइफ सेट, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको भी जरूर जाके फॉलो कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।